हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम माता। हे संकट हरने वाली, हे सब सुखों की दात्री, हे दुखियारों के दुख हरने वाली, हे माता महालक्ष्मी, आपको मेरा प्रणाम। हे मातेश्वरी, आपने मुझे स्मरण करके, अपनी सेवा का अवसर प्रदान करके मुझे अनुग्रहित किया है। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देवर्षि, राजा रत्नाकर और रानी विजया मेरे परम भक्त हैं। अब उनके दुखों को हरण करने का समय आ गया है। अर्थात वो शुभ घड़ी कई युगों के बाद आ पहुंची है, जब आप जन कल्याण के लिए पृथ्वी लोक पर वैष्णवी देवी के रूप में अवतार लेंगी। हाँ ऋषिवर, परंतु मेरे अवतार लेने में अभी एक बाधा और है, जिसे आपको दूर करना होगा। बताइए मातेश्वरी, वो कौन सी बाधा है और उसे दूर करने के लिए मुझे क्या करना है? देवर्षि, राजा रत्नाकर और उनकी पत्नी ने मेरी बड़ी तपस्या तो की है, परंतु उसमें एक अभाव रह गया है। उन्होंने अभी तक कुमारी कन्या की पूजा नहीं की है। आप उन्हें जाकर कन्या पूजन का परामर्श दीजिए। नारायण नारायण, परंतु हे देवी, क्या कन्या पूजन आपके पूजन से बढ़कर है जो आप उसे प्राथमिकता दे रही हैं? देवर्षि, कुमारी कन्या मेरा ही पवित्र अंश होता है, इसीलिए कुमारी कन्या की पूजा मेरी ही आराधना है। और जब तक राजा रत्नाकर और उनकी पत्नी विजया किसी कुमारी कन्या की पूजा नहीं करेंगे, मेरे प्रति उनकी तपस्या पूरी नहीं होगी। मातेश्वरी, आपका संकेत मैं समझ गया। मैं शीघ्र अतिशीघ्र राजा रत्नाकर और रानी विजया से मिलकर उन्हें परामर्श दूंगा कि कुमारी पूजन से ही आपकी विशेष मनोकामना पूरी होगी। तथास्तु। नारायण नारायण। प्रणाम माता।